दोस्तों, हम फिर से वही जगह में आया हूँ जहाँ पहले हम ट्रैप लगाया था। तो आज उसको चेक करेगा और नया एक तोतू लिया है, फिर से यही आलू लिया है। तो चूहा के लिए एक तोतू ट्रैप लगाएगा, तो बने रहना आप लोग सब। अगर आप लोग नया व्यूअर है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, एक तो ट्रैप लगाता है और पुरना जो ट्रैप लगा के रखा है उसको चेक करेगा, अगर कुछ मिलना है तो आप लोगों को दिखाएगा। तो वीडियो अंत तक बने रहना कि ताकि आप लोग देख सके क्या कि हम क्या मिला है क्या नहीं मिला है। तो प्लीज़ आप लोग साथ में रहेगा रहना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये एक तो है, ट्रिकर तो हो गया, ये देखे ट्रिकर तो हो गया। जंगल मुर्गी का जो हम लगाया था, सो लुक एट दिस, ट्रिकर तो हो गया लेकिन नहीं लगा है, ये देखिए। तो फिर से हम लोग उसको सफा करके डाल देते हैं। तो ये हो गया, और जब ये खाने के लिए जंगल मुर्गी लोग ऐसे मारेगा तो ये गिर जाएगा, तो ये ट्रिकर होके इसमें फंस जाएगा। ये देखिए, ये ट्रिकर हो गया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ट्रिकर होगा। तो चलिए, ये हो गया, ये हो गया, देखिए ये वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए इसमें फंस के बैठा है। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर ये वाला सफ़ेद वाला जो, ये ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएगा हम, क्योंकि जितना नज़दीक जाएगा उतना वो लोग समझ में आता है कि आदमी आया है। तो वैसे का वैसे ही है, अभी एक सप्ताह हो गया, तो होने दीजिए क्योंकि ये बहुत दिन का बाद आ जाता है। चलो, तो ये देखिए, ये भी ऐसे का ऐसे ही है, होने दीजिए। ये वाला लाती जो देखिए, ऐसे का वैसे ही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये भी फूटा है लेकिन ये पुराना लग रहा है। हम दो तीन तो पुता देखा है, एक तो नया दिखाई दे रहा है, उसमें हम डी ट्रैप बड़ा वाला एक तो लगा देगा ब्रोकोपाइन के लिए। आप रस्सी सिर्फ नहीं, डी ट्रैप भी लगा सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ का बना के लगा देना है। तो हम दिखाते हैं कहाँ में, तो ये भी है लेकिन ये भी पुराना है। फिर ये भी एक है, ये थोड़ा सस्पेक्टेड है, लेकिन इससे और नया एक तो जगह है, तो हम उस में लगाएगा।
क्योंकि मेरे पास टी ट्रैप बड़ा वाला एक ही सिर्फ है, ओनली वन पीस। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल जगह में डालेगा हम। तो चलिए दिखा देते हैं कहाँ में है। ये देखिए, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेस। देखिए सबसे नया है, सबसे बेस्ट पॉसिबल यहाँ हो सकता है। तो यहाँ में हम डालेगा, हम थोड़ा साइड करके खड़ा है, यहाँ से तैयारी करके जाएगा, क्योंकि ब्रोकोपाइन इज़ अ वेरी सेंसिटिव एनिमल। तो वो थोड़ा सा भी हरकत, उसका घर का आसपास हरकत वाला सब पता चलता है, तो इतना जल्दी से वो हार नहीं मानता है। तो हम यहाँ से तैयारी करके ले जाएगा, उसका बाद उसका कटा में उसका होल में लगा देगा। तो हम लाया है तो ये सी, तो ये है टी ट्रैप, ये टी ट्रैप है, ये थोड़ा बड़ा साइज़ का, ये देखिए साइज देखिए, ये टी ट्रैप हम ढक के रख देगा, ये देखिए उसका साइज़ का है। तो डाल के उसको बांध के रख देगा, तो ये ज़रूर इससे तो नहीं मरेगा, मरने में तो नहीं मरेगा, लेकिन पकड़ के रहेगा। और ये रस्सी देखिए, उसको पकड़ के रख देंगे, पकड़ के रख के उसको करने के लिए। ये देखिए, तो आई एम गोइंग टू मेक इट हियर, उसको यहाँ तैयारी करते हैं और ले जाके उधर था देखा। सो बने रहना, अगर आप नया व्यूअर से तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसमें पकड़ा नहीं पकड़ा वो सब नोटिफिकेशन आए और आप भी देख सके कि हम क्या मिला है क्या नहीं मिला। तो चलिए लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो ये देखिए, हम रस्सी को थोड़ा और ज़्यादा लंबा बना दिया, क्योंकि सिर्फ ये होने से रस्सी थोड़ा छोटा लग रहा है। जो लकड़ी है थोड़ा दूर में है उसका कटर है, तो ये नहीं पहुँचेगा जैसे लग रहा है, तो हम इसलिए इसको एक्स्ट्रा डालते हैं। तो अभी उसको रेडी करके ले जाके डालते हैं, तो आप लोग बने रहना। तो ये तैयारी हो गया, सबसे पहले तो हम इसको बांधते हैं इधर। ये देखिए, ऐसे ट्रैप बना के रखते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने से भी कुछने से भी लगेगा, और वो बेर, ये बेर का साथ हम रस्सी बांध के रखा है, अगर लगने से भी वो नहीं भाग सके तो ऐसे करके हम लगा के रखा है। मैंने और दो टी ट्रैप लिया है, तो उसको फिर से इसका साथ में लगा देगा, लगाने के बाद कर जाएगा। तो ये एरिया चूज़ किया है हम, ये देखिए ये कटा है, ये देखिए ये कटा है, तो इसमें कुछ स्क्विरल या चूहा कुछ होने का समझता है। तो लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन गेट, उसको डालते हैं। चलिए, ये भी प्रोकोपाइन का रास्ता जैसे लग रहा है, ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाता है। तो रिसेंटली यहाँ में आया ये जैसे लग रहा है, क्योंकि उसका पाँव का निशान यहाँ में दिखाई दे रहा है, पाँव का निशान। लेकिन बारिश होने का कारण से
कब का है हम बता नहीं पा रहे हैं, काल पशु का है ना, पुरना है, बारिश का कारण से हम लोग पता नहीं चल रहे, बारिश आया था कल रात को तो पता नहीं चल रहा है पुरना है ना नया है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब रास्ता है, उसका रास्ता है, चलो एक टी ट्रैप यहाँ लगाते हैं ये एरिया में, यहाँ में आना जाना चूहा है ना प्रोकोपाइन है वो तो नहीं बोल सकता है, लेकिन कुछ तो आना जाना कर रहा है, तो एक टी ट्रैप यहाँ लगा देते हैं। चलिए तो ये हो गया टी ट्रैप। अभी आप लोग को फिर एक चीज़ दिखा देते हैं आप लोग, ये देखिए ये चीज़ जो मुर्गी का कुह है, सी चिड़िया का कुह है, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा कुह जो इतना कच्चा कच्चा कुह है, ये देखिए इतना बड़ा कुह सिर्फ मुर्गी हाँक सकता है, नवान खेतु इधर, तो देखते हैं यहाँ में मुर्गी आता है या नहीं आता है। तो इसमें भी कटा है, कुछ पॉसिबिलिटीज है, ये देखिए चूहा का हो सकता है, तो हम लोग इसमें भी एक टी ट्रैप लगा के रखते हैं। चलिए तो मेरे पास रस्सी नहीं है इसलिए हम इसको बांध दिया, सिर्फ चूहा लगने से तो नहीं पक सकेगा, लेकिन ऐसे सिक्योरिटी ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी इसको लेके नहीं जाने देगा। इसको क्यों लगाता है, क्योंकि अंदर से आने से इसको थोड़ा सा धीरे से ठेल के गिरा सकते हैं, गिरा के वो चला जाएगा, तो ये होने से क्या होगा इसमें लग जाएगा और नहीं गिराएगा तो ऑटोमेटिकली वो फंसेगा ही फंसेगा। इधर से जाने से ये है, इसमें सिक्योरिटी है, इसमें लग जाएगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर से आने से यहाँ में मतलब ये ठेल के ऐसे नहीं गिराएगा, ये नहीं तो उधर से अंदर से आते समय इसमें पहले इसमें ये पार्ट में पहले ठेल देने से वो गिरा देगा, तो उसका बाद ट्रिकर हो जाएगा, वो भाग जाएगा, तो इसलिए हम ये चीज डाल रहे हैं। ये देखिए वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है जंगल, ऐसे जंगल होता है। तो चलिए बने रहना, लगे रहना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, कल हम देखने आएगा क्या मिला है क्या नहीं मिला है, उसको आप लोग को दिखाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, लास्ट तक देखना, ताकि हम आप लोग को दिखा सके क्या मिला है, कितना क्या क्या मिला है, और वो प्रोकोपाइन मिला है नहीं मिला वो भी हम आप लोग को दिखा देगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, और नया व्यूअर जितना भी है कृपया करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहेगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।
जो ट्रैप हम लगा के रखा है उसको देखने जाएगा सोचा था, लेकिन उसको देखने से पहले मेरा थोड़ा छोटा सा एक हादसा हो गया और उसमें मेरा पाँव कट गया, तो उसका वजह से हम उसको देखने नहीं जा पाए, लेकिन थोड़ा दिन का बाद हम देखने जाएगा तो तब दिखा देगा कि आप लोग को उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला है। लेकिन उसके लिए आप लोग ये वीडियो पूरा नहीं करने का वजह से आप लोग खराब मत पाइए, फ्यूचर में ज़रूर पूरा वीडियो दिखा देगा। तो देखिए मेरा पाँव में छोटा सा कैसे चोट आया है, तो ये देखिए इसमें दाव से यहाँ से यहाँ में थोड़ा ऐसे कट हो गया। हम घाव साव को नहीं दिखा देगा क्योंकि कुछ यूट्यूब का भी कुछ नॉर्म्स होता है, तो इसलिए हम नहीं दिखा देगा। फिर भी यहाँ में ऐसे कट होने का वजह से 3 सिलाई हो गया, 3 स्टिचेस हो गया था, उसका वजह से हम ट्रैप देने नहीं जा पाए। लेकिन ज़रूर हम 2-3 दिन का बाद जाने के लिए सोच रहे, तो तब तक आप लोग बने रहिए और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।